दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन की दो बड़ी समस्या है। और एयर पोल्यूशन का कारण यह है कि दिल्ली के बीच में से पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ से लेकर आने वाला पूरा ट्रैफिक दिल्ली के बीच में से आगे राजस्थान और गुजरात की ओर जाता है। और इसलिए दिल्ली का एयर पोल्यूशन कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चल रही है। तो दिल्ली के आसपास ये पूरे ट्रैफिक जाम को और एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमने अनेक प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए हैं। उसमें से द्वारका एक्सप्रेस हाईवे ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये आज ही मैं इंद्रजीत सिंह जी को, राव इंद्रजीत सिंह को याद कर रहा था कि मैं गुड़गांव में कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए आया था और स्टेज पर बैठे समय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मुझे कहा कि हमारा एक छोटा सा काम अटका हुआ है, 8-10 किलोमीटर का ही रोड है हमारे हरियाणा में, बाकी दिल्ली का है। अब दोनों के बीच में अनेक दिनों से लैंड कुछ एक्वायर्ड हुई, कुछ पड़ी हुई है, तो आप इसको एक्वायर्ड करके करा लीजिए और इसकी घोषणा करिए। तो मैंने सोचा कि 25-30 किलोमीटर में 200-300 करोड़ का काम होगा, और मैंने तुरंत बिना देखे बिना पूछे मैंने वहाँ डिक्लेयर कर दिया कि हम NHAI को इसको एक्वायर्ड करते हैं और ये करेंगे। और बाद में जब मुझे पता चला कि ये 10,000 करोड़ का है, 29 किलोमीटर, पर मैंने जो जबान दी थी वो मैंने पूरी की। NHAI का ये हाईवे हमने अपने हाथ में लिया। इसमें लैंड एक्विजिशन में बहुत से प्रॉब्लम आए, काफ़ी तकलीफें हुई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक आर्बिट्रेशन सब कुछ हुए, अब उसको क्लियर हुआ है। ये जो चार पैकेजेस है वो 29 किलोमीटर के हैं। तो 29 किलोमीटर में जो है, इसमें ये 8 लेन मेन एक्सप्रेस हाईवे है और इसको 6 लेन एक टनल भी इसके साथ है, और 6 लेन, 8 लेन जो है वो ऊपर में और 6 लेन नीचे में है। तो स्वाभाविक रूप से इतने बड़े प्रमाण पर एक एक जगह पर मुझे बहुत खुशी है कि इंजीनियरिंग मार्वल्स के ऐसे अनेक प्रयोग करने का अवसर मुझे मिला। हमारे यहाँ वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट जो है वो मुंबई में बना हुआ है, उसको भी बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। और अभी नागपुर में हमने एक बनाया मेट्रो में, जो NHAI ने उसमें सहभाग लिया है, कि नीचे में रोड है, ऊपर में ब्रिज है और उसके ऊपर में मेट्रो है। तो 3 जगह पर ये बना है, पर ये उससे भी आगे है। एक जगह पर पहले 0 लेवल है, फिर -1, नहीं फिर 1, -1, फिर 1 और फिर 2, 4 लेयर एक समय बनी है। तो मुझे लगता है शायद हिंदुस्तान में पहली बार ये बनी है। टनेल 8 लेन अर्बन टनेल ये भी पहली बार बनी हुई है। और ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट 3.6 किलोमीटर 8 लेन अर्बन रोड टनेल इन इंडिया, ये पहली है। फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे जिसमें 4 लेयर मैंने आपको बताया। प्रोजेक्ट रोड नेटवर्क कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ 4 लेवल्स, टनेल, अंडर पास एट ग्रेट रोड लेवल, एलिवेटेड फ्लाईओवर एंड फ्लाईओवर अबव फ्लाईओवर। ये इंडिया फर्स्ट 9 किलोमीटर लॉन्ग 8 लेन फ्लाईओवर है, 34 मीटर वाइड है और सिंगल पियर है, विथ 6 लेन सर्विस रोड भी है इसमें। इंडिया फर्स्ट इंटरनल इंटरचेंज, कौन सा ये, 4 लेवल, 4 लेवल इंटरचेंज इन द्वारका, ये इसकी विशेषता है। टोटल ये एलिवेटेड रोड 23 किलोमीटर है 8 लेन का, और इसके साथ साथ एक टनल भी जो मैंने बताई वो भी है। अब इसके साथ 1.5 मीटर की नए टनल हम तैयार करेंगे, जिसके कारण डायरेक्ट T3 टर्मिनल जो एयरपोर्ट का है वहाँ पहुँच जाएंगे,
और वहाँ से जाने आने वाले लोगों को अब NH8 का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं, वहाँ से डायरेक्ट ये रोड से आगे आएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो NH8 है उसके ऊपर आज मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, बताया गया 3 लाख PCOs का ट्रैफिक है, तो इसका 50-60% ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो ये रोड पर काफ़ी ट्रैफिक जाम होता है, तो ये भी इसके कारण राहत मिलेगी। तो इसके बाद में हम लोग कौन सा गणेश विहार, क्या मूर्ति का नाम है, शिव मूर्ति से वसंत कुंज के लिए एक नेल्सन मंडेला मार्ग जो है वहाँ जोड़ने के लिए एक और 5 किलोमीटर की टनल बना रहे हैं। तो ये भी आगे तुरंत इसका काम हमने काफ़ी हाथ में लिया है, DPR बन रहा है, शायद इसी साल ये काम शुरू करेंगे। तो ये जो टनल बनेगी इसके कारण स्वाभाविक रूप से ट्रैफिक जाम के प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे और इसी रोड का उपयोग करके होगा। इसमें दिल्ली जयपुर जो रोड था, ये मैं जब मंत्री बना तो बहुत समस्याएं थी, काफ़ी तकरारें लेकर मुझे लगता राव साहब ही मेरे बार अनेक बार मेरे पास आए, यहाँ के MP MLA सब त्रस्त थे। तो ये हीरो वाला ब्रिज हमने बनाया, एक राजीव चौक का था उसको कुछ किया, अंडरपास बनाया, आगे भी 2-3 ब्रिजेस बनाए, काफ़ी जगह पर हमने ट्रैफिक जाम हो रहा था उसके लिए भी अलग प्रकार से डिज़ाइन करके वो भी बनाए, ताकि आज मैं रोड से आया हूँ काफ़ी उसमें काफ़ी सुविधा प्राप्त हुई। ये प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि दिल्ली में इसके साथ साथ दिल्ली और दिल्ली NCR में हम लोग जो काम कर रहे हैं वो करीब 60,000 करोड़ के काम हम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, एक ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड हमने पूरा किया है जिसमें हमने 12,000 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं, और जो वेस्टर्न पेरिफेरियल है वो हरियाणा सरकार ने किया है वो 7,000 करोड़, ऐसे 19,000 करोड़ दिल्ली के लिए रिंग रोड बना है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए दिल्ली में जो बाहर से पंजाब हरियाणा उत्तराखंड हिमाचल से जो ट्रैफिक आता था वो अभी दिल्ली के बाहर जा रहा है। तो ये कीमत इसकी 12,000 करोड़ हमने NHAI की तरफ से खर्चा किया है। फिर द्वारका एक्सप्रेस वे, ये 29 किलोमीटर है, 9,500 करोड़ रुपए इसमें खर्चा कर रहे हैं हम लोग, और इसमें अभी और 1.5 किलोमीटर की टनल नए जो बनाएंगे जो T3 तक जाएगी वो, और उसके साथ हम लोग 5 किलोमीटर की टनल वसंत कुंज तक बनाएंगे तो उसके लिए 5,000 करोड़, ऐसा ये टोटल प्रोजेक्ट करीब 14-15,000 करोड़ का होगा। बाद में दिल्ली सहारनपुर के इसमें अक्षरधाम, लोनी, बागपत, शामली और सहारनपुर, ये 150 किलोमीटर रोड हम बना रहे जिसकी कीमत 12,000 करोड़ रुपए है। फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे जिसमें से दिल्ली के पैकेज ओपन हुए हैं वो करीब 7,000 करोड़ के हैं, और दिल्ली मेरठ आने के लिए 4 घंटे लगते थे, हम अप्रैल में इसका मार्च एंड तक ही उसका काम पूरा करेंगे, पर 2 ROB पूरे नहीं हुए हैं तो शायद जून तक लग जाएगा। तो ये होने से द्वारका से अपना मेरठ से दिल्ली 45 से 50 मिनट हो जाएगा। तो ये इसके ऊपर हमने 7,000 करोड़ खर्चा किए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोड था वो UER Phase 2 न्यू रिंग रोड दिल्ली का, इसके लिए मुझे LG साहब ने बहुत सहयोग किया, इसका लैंड एक्विशन पूरा हुआ है, DDA के साथ बातचीत हुई और उसके बाद में अभी उनके प्रपोजल से उन्होंने एक्सेप्ट किया है, टेंडर हमने बुला कर रखा है। ये दिल्ली, ये UER Phase 2 न्यू रिंग रोड दिल्ली, ये 7,700 करोड़ रुपए का है, और मेरा विश्वास है कि आने वाले 3 महीने में हमने टेंडर बुला लिया, इसके काम की हम शुरुआत करेंगे। फिर मुकरबा चौक से पानीपत ये काम बंद पड़ा था, फिर इसको हमने कॉन्ट्रैक्टर को रिप्लेस किया है, और ये भी काम 2300 करोड़ का है, 8 लेन रोड है,
इसका काफ़ी काम अब पूरा हुआ है। मुझे लगता है कब तक पूरा हो गया, जुलाई तक ये काम पूरा हो जाएगा। फिर धौला कुआं में भी एक बहुत ट्रैफिक जाम होता था और मैं भी उसमें रोज़ जब जब भी हवाई जहाज पकड़ने के लिए जाता था तो फंसता था। तो काम काफ़ी पूरा हो गया है, थोड़े चेंजेस मैंने बताया उसमें, और कुछ अगर डिफेंस के सहयोग के साथ वो आ जाएगा तो वो भी निश्चित रूप से पूरा होगा। ये जो DND आश्रम और बदरपुर होकर जो रोड है हमारे बिदुड़ी जी के, इसमें वो कालिंदी कुंज फरीदाबाद बल्लभगढ़ और सोना, ये 60 किलोमीटर का है, ये 4000 करोड़ का, इसका काम शुरू हो गया है। थोड़ा सा फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के कुछ, हाँ 5000 करोड़ है ये, इसका काम थोड़ा एनवायरनमेंट का लास्ट परमिशन है, वो कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड हो गया, उनने साइट भी मोबिलाइज की है, ये 5000 करोड़ का है, अप्रैल में ये शुरू हो जाएगा। फिर गुरुग्राम से सोना ये 6 लेन है, जो ये द्वारका एक्सप्रेसवे से आगे है, एलिवेटेड रोड है, 22 किलोमीटर 2000 करोड़ का, इसका काम शुरू है ना, इसका काम ऑलरेडी चल रहा है। बाद में हमने अभी दिल्ली से देहरादून नया हाईवे जाहिर किया है, उसके दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में आप जा सकेंगे, टोटल नया रोड बना रहे हैं। और इसी रोड को हरिद्वार जाने के लिए, कौन से गांव से एक लिंक है देहरादून जाने के पहले, वहाँ 47 किलोमीटर की, जिससे हरिद्वार भी जाएंगे और देहरादून जाएंगे, और हरिद्वार और देहरादून दोनों का डिस्टेंस 2 घंटा दिल्ली से केवल होगा। ये एक्सिस कंट्रोल होगा, इसमें एलिवेटेड रोड बना रहे, काफ़ी फॉरेस्ट के बीच में से जाता है, तो ये भी आज देहरादून जाने के लिए 5 घंटे 5.5-6 घंटे कभी 7 घंटे लगते हैं, तो ये 2 घंटे में जाना पूरा होगा। तो ये एक दिल्ली के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। फिर दिल्ली से मुंबई सोना से जो रोड है वो भी करीब 1 लाख करोड़ का है, और इसका भी हमने दिल्ली जयपुर, अब यहाँ से लोग नहीं जाएंगे, ये दिल्ली से जयपुर जाने के लिए, कौन सी जगह है वो, बांदीकुई से एक जयपुर को हम नया रास्ता जोड़ रहे हैं दिल्ली मुंबई हाईवे को, तो उसके कारण वो भी काफ़ी आसान होगा, और 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे के कम इसमें दिल्ली जयपुर हो जाएगा। वैसे अभी एग्जिस्टिंग इसमें दिल्ली से, नहीं अभी कौन सा रास्ता है, नहीं दिल्ली से जयपुर जाने के लिए जो दोसा से पलट कर जयपुर जाने का, जयपुर रिंग रोड, तो जयपुर रिंग रोड भी फंसा हुआ था, हमने NHAI में उसको टेक ओवर किया, वो भी पूरा किया है, और इसके रिंग रोड को ये जुड़ेगा, उसके पहले हम दूसरी जयपुर की लिंक भी कर रहे हैं। तो ये जो एग्जिस्टिंग रोड है NH8, इसके ऊपर का काफ़ी काम पूरा कम होगा। ये जो प्रोजेक्ट आज मैंने देखा, इसकी मुझे खुशी हुई कि इसमें 12,000 पेड़ हमने ट्रांसप्लांट किए हैं और 84% सक्सेस रेट है। और आज मैंने हमारे अधिकारियों को और कॉन्ट्रैक्टर को भी कहा है कि उद्घाटन के पहले इसका लैंडस्केपिंग का प्लानिंग करके पेड़ लगाइए, ताकि ये ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बने। तो हम लोग ऑलरेडी हमने इसमें पेड़ भी ट्रांसप्लांट किए हैं और आपको वो फिल्म भी दिखाई है। तो पहली बात तो कभी कभी लोगों के मन में काफ़ी इसमें दिक्कतें आती है कि पेड़ कटने के बारे में बहुत समय भी जाता है, परमिशन नहीं मिलती, हम पैसे भी भरते हैं, और उसके बाद में अभी हमने इस बार ट्रांसप्लांट भी किया है। तो एक पेड़ को ट्रांसप्लांट करने के लिए 25,000 से ज़्यादा खर्चा हमने किया है, और 4 कॉन्ट्रैक्टर थे और नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। अब ये इसका अनुभव के आधार पर पूरे देश में हम लोग अभी पेड़ काटने के बजाय पेड़ ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करेंगे। हमें डेवलपमेंट भी करनी है और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की भी रक्षा करनी है। तो मेरा आपसे विशेष रूप से अनुरोध है कि जो 84% हमने ये पेड़ ट्रांसप्लांट किया है, इसके ऊपर आप अलग से अध्ययन करिए, और ये अगर होगा तो मुझे लगता है कि हमें पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये हमारा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ये जो हाईवे बन रहा है, इसके बीच में मेट्रो का भी काम चल रहा है, आगे हमारा बहुत बड़ा एग्जीबिशन सेंटर का भी काम चल रहा है, तो आने वाले समय में ये एरिया वर्ल्ड की हाई क्लास सिटी, जैसे सिंगापुर है,
या दुबई का सेंटर जैसा है वैसा ये होगा। अभी मैं देख रहा था, इसमें टोटल इस प्रोजेक्ट में इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, फुल्ली ऑटोमेटेड टोलिंग सिस्टम है, कई टोल नाका नहीं होगा। टोटल एस्टिमेटेड कंजम्पशन ऑफ 2 लाख मेट्रिक टन स्टील, यानी एफएल टावर से 30 गुना ज़्यादा यहाँ स्टील यूज हुआ है, और टोटल एस्टिमेटेड कंजम्पशन ऑफ 20 लाख क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट। ये बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग बनी थी उसके 6 टाइम्स ज़्यादा कॉन्क्रीट इसमें लगा हुआ है। तो स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री को हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, थोड़ा हमारा सपोर्ट देखते हुए उन्होंने रेट को भी ध्यान में रखना चाहिए, ऐसी स्थिति ना लाए कि अब स्टील और सीमेंट के भी अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए हम लगे हैं, क्योंकि ये रेट ज़्यादा बढ़ने से हमारी योजनाओं पर भी उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है। तो ये रोजगार निर्माण करने वाला है, ये पूरे प्रोजेक्ट्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट 50,000 लोगों को रोजगार मिला है, और यहाँ की इकोनॉमी ये प्रोजेक्ट बनने के बाद जो नई स्मार्ट सिटी ये बनेगी गुड़गांव की, ये शायद मुझे लगता है कि वर्ल्ड में जैसी शंघाई में डेवलपमेंट हुई है या सिंगापुर जैसे डेवलप हुआ नया, उसी प्रकार से यहाँ एक डेवलपमेंट एरिया में होगी। जो यहाँ लोगों ने फ्लैट बनाए थे वो पड़े थे, बिल्डिंगें अधूरी पड़ी थी, वो सब काम उन्होंने भी जोरों से शुरू किया है, और यहाँ प्लान डेवलपमेंट हो, ग्रीनरी हो, और इसके साथ साथ ये हमारे देश की अच्छी सिटी बने, यही हमारा प्रयास है। तो मैंने जो आपको कहा था कि हम 60,000 करोड़ दिल्ली के इसमें काम कर रहे हैं, तो एक अपने आप में इससे दिल्ली का एयर पोल्यूशन कम होगा, और मुझे अवसर मिला कि दिल्ली के वाटर पोल्यूशन में भी काम करने का, क्योंकि मैं जब गंगा नमामि गंगा में मंत्री था तो हम लोग करीब 325 प्रोजेक्ट करीब 26,000 करोड़ के हमने नमामि गंगा में मंजूर किए थे। उसमें पानीपत और सोनीपत का उसमें साथ हमने यमुना और ऐसी 40 नदी और नालों को भी चुना था जो गंगा में मिलते हैं, वो फाफामऊ नाला वगैरह सब नाले लिए थे। तो अब उन्हें सब में काम शुरू किया, 70% काम मेरे समय मैंने अवार्ड भी कर दिया था। तब दिल्ली में हमने, जैसे मैंने कहा, यमुना पर पानीपत और सोनीपत का प्रोजेक्ट मेरे समय मैंने पूरा किया, जिसमें हमने नमामि गंगा से पूरे पैसे दिए, और दिल्ली की सरकार को हमने 6,000 करोड़ रुपए दिए, और हमारे पैसे में दिल्ली की सरकार से हमने यमुना पर ये प्रोजेक्ट किए हैं। अब काफ़ी प्रोजेक्ट पूरे होते हुए आए, एक जायका के फंड का भी उसमें प्रोजेक्ट है। तो दिल्ली में आई एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन ये भी हमने कम किया, इसमें कम करने में हम कामयाब होंगे। तो मुझे खुशी है कि अब यमुना का, अभी आपको पता होगा, आप कभी आप समय मिले तो मथुरा में मैंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया है त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने, कि मथुरा का 80 MLD स्लज उसको शुद्ध करके इंडियन ऑयल को पानी दिया है, और इंडियन ऑयल साल के 20 करोड़ रुपए पानी के देती है। वेस्ट टू वेल्थ वाली बात जो मैंने कही थी वो वहाँ अच्छी तरीके से पूरी हुई है। तो एक तरफ दिल्ली को, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, हम सबके स्वाभिमान की विरासत, इतिहास, संस्कृति की प्रतीक है, और दिल्ली को जल प्रदूषण से और वायु प्रदूषण से मुक्ति देने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो अभी आपको ये भी पता है कि हम लोग इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन फ्यूल सेल सब टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। अभी 81% लिथियम आयन बैटरी देश में बन रहे, मैंने अभी इसके बारे में पूरी मीटिंग करके हमने काफ़ी इसको एक्सेलरेट किया है। अभी हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर भी काम कर रहे हैं, और जो परली जलाते आपके यहाँ उससे हमने CNG बनाकर मैंने ट्रैक्टर भी लॉन्च किया है, जो ट्रैक्टर 3 लाख रुपये किसानों के, कमर्शियल ट्रैक्टर के 3 लाख और किसान के लिए 1.5 लाख रुपये की बचत करता है। तो ये सब जो प्रयास है, फ्यूल में चेंजेस हो, जल शुद्धिकरण हो, और एयर पोल्यूशन में कमी आए, अभी हमने यूरो 6 के नॉर्म्स हमने अप्लाई, कल ही मेरे यहाँ CM की मीटिंग हुई, और उसमें जो नए हमारे नॉर्म्स है उसमें फेज 1 को हमने पूरा किया कि कितना कार्बन एमिशन होना चाहिए। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आधार पर काफ़ी ऑटोमोबाइल में सुधार हुआ है,
और उसमें भी हमने अलग अलग प्रकार के फ्यूल लाए हैं। फ्लेक्स इंजन में इथेनॉल का फ्यूल अब लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले समय में एक तरफ पोल्यूशन कम करने के लिए फ्यूल में बदल करना, दूसरी ओर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करके ट्रैफिक जाम को कम करना, तीसरी बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी को इनकरेज करना। जैसे आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अब मुझे रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, मैट्रिनो सिस्टम, या जो अपने एलॉन मस्क ने किया था, कौन सी वो नहीं नहीं एलॉन मस्क टेस्ला नहीं, दूसरा एक उनका एलिवेटेड एक कॉरिडोर का था वो, जो तो वो भी उन्होंने प्रपोजल था। अभी मैं दिल्ली और मुंबई के बीच में हमारे पास 120 मीटर की बीड़ है, तो मैंने रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी को कहा कि आपको बुलेट ट्रेन चालू करना है तो कल मैं जगह दे सकता हूँ। तो रोड के बीच में इसको इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि रेल के एक बीच में रेल होगी जिसमें ट्रक बस डायरेक्ट चार्ज होगी 20 किलोमीटर और फिर 200 किलोमीटर इलेक्ट्रिक पर चलेगी। तो नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी ये जो मेरे पास डिपार्टमेंट आया है इससे हम लोग दिल्ली से जयपुर पॉन्ड सिस्टम मेट्रिनो टाइप वो भी करने के बारे में हम लोग अभी विचार करेंगे। अभी डिपार्टमेंट के पूरी तरह रूल्स ऑफ बिजनेस में मेरे पास आया है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर बढ़ेगा तो पोल्यूशन कम होगा। तो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम करना, ट्रांसपोर्ट में भी पोल्यूशन को कम करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करना, और नए नए विशेष रूप से जैसे 4 लेयर पहली बार हुआ, ये मैं आपको फिर से कहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत का इंजीनियरिंग मार्वल है। ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है कि जो बनेगा तो मेरे अभी आप मुझे भी आज पूरी आइडिया नहीं थी, पर आज मैंने अधूरा देखा है, पर जब पूरा होगा तो आपको निश्चित रूप से पता चलेगा। अगले साल के 15 अगस्त के पहले, अभी इन्होंने बताया डेडलाइन, पर हम 15 अगस्त के पहले इसका इनॉग्रेशन करेंगे अगले साल का, इतना मैं आपको विश्वास देता हूँ। और विशेष रूप से इस प्रोजेक्ट में हरियाणा की सरकार, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री और हमारे राव इंद्रजीत सिंह जी, बाद में यहाँ के सभी MLAs, इनका बहुत अच्छा सहयोग रहा। जो दिल्ली का पार्ट था उसमें हमारे रमेश जी विदुड़ी यहाँ उपस्थित हैं, काफ़ी मदद उनके तरफ से भी हुई, और दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी और उनके लोगों ने भी हमको इन्वायरमेंट फॉरेस्ट में काफ़ी अड़चनें आई, उनका भी सहयोग मिला। दिल्ली के जो LG साहब हैं उनका भी समय समय पर बहुत मदद मिली है, और उन सब के सहयोग के कारण ही हमारे लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। NHAI में ये एक सक्सेस स्टोरी है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे और ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, हम 22 एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। तो अभी मैंने दिल्ली कटरा की आपको जानकारी नहीं बताई, दिल्ली से अमृतसर 6 घंटे में होगा, वो भी जींद से हरियाणा से जाने वाला है, उसका भी लगभग लैंड एक्विजिशन हमने पूरा किया है। तो ये दोनों हाईवे द्वारका और मुंबई का, इसका काम मनोज कुमार जी और उनके टीम ने ये काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करूँगा, उनको धन्यवाद दूँगा। और जो UER फेज 2 न्यू रिंग रोड, जो DDA के साथ अभी हमने लगभग सब क्लियरेंसेस मिल गए और ये करीब 4000 करोड़ का ये रोड जो है, ये 7700 करोड़ का ये पूरा करने में विशेष रूप से प्रवेश जी यहाँ आए हैं, उन्होंने लगातार इसका पीछा किया। LG के साथ, उनके साथ हमारी काफ़ी मीटिंगें हुई, DDA के साथ मीटिंग हुई, और अभी निश्चित रूप से सबका सहयोग मिला है। उसका भी काम केवल एक आखिरी का पत्र UD का आजकल भी आ जाएगा, तो हमने टेंडर रिसीव किया है, 2 महीने के अंदर उस काम की हम शुरुआत करेंगे, ऐसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया। दिल्ली अच्छी हो रही है, सुंदर हो रही है, दिल्ली स्वच्छ हो, सुंदर हो और प्रदूषण मुक्त हो, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन से मुक्त हो। और इसलिए जो प्रयास हमारे थे और जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी पेंडिंग है, चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझे बुलाया कि भैया आपने क्या क्या करने वाले, हमें भी इसमें बताइए। तो अभी कोविड के कारण थोड़ा 2 बार पोस्टपोन हुआ, पर मुझे लगता है कि सभी लोग इसमें चिंतित थे, पर ये सब काम होने के बाद निश्चित रूप से लोगों को भी राहत मिलेगी, दिल्ली की प्लान डेवलपमेंट होगी और दिल्ली जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से मुक्त होगी,
और आज जो दिल्ली का जो पोल्यूशन का मीटर आगे जाता है वो निश्चित रूप से आने वाले 3 साल के अंदर दिल्ली का पोल्यूशन और कम होगा, और इसलिए ये आज का प्रोजेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसलिए मैं आज मुझे देखने का मौका भी मिला है तो मुझे खुशी है। एक आज मुझे याद आई कि इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करने के लिए अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज दोनों को हमने बुलाया था, और उस समय कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला था पार्लियामेंट चुनाव का, तो जल्दबाजी में हमने इसी होटल के नज़दीक कार्यक्रम किया था, और अरुण जी और सुषमा जी ने इसका भूमि पूजन किया था। आज वो प्रोजेक्ट जब उनके हाथ से इसके पूरे हो रहे इस समय वो उपस्थित नहीं है, इसका मुझे बहुत दुख है और दर्द भी है और याद भी आई है कि वो कार्यक्रम मुझे आज याद आया कि जिस समय इसकी हमने शुरुआत की थी, पर वो दोनों आज हमारे बीच में नहीं है। फिर भी उन्होंने जिसका भूमि पूजन किया था वो पूर्णत्व पे जा रहा है, इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। तो फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।